आज लीगल सर्विस अथॉरिटी और तहसील लीगल सर्विस कमेटी की जानिब से यहाँ कोर्ट प्रिंसिस में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डे यहाँ पे मनाया जा रहा है, जिसके तहत हम आपको बताते चलें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये हर एक सरकार की ड्यूटी है कि वो एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करे और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, और यहाँ के नागरिकों में भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हमारा फर्ज भी है कि हम एनवायरनमेंट को बचाएं, यानी कि हम पोल्यूशन होने ना दें, हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें, हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, जितनी भी हमारी फ्लोरा एंड फाना है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्शन 26 है और आर्टिकल 253 है, उसमें क्लियरली ये बताया गया है कि किस तरीके से हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम पे दी गई है और हमारे जो राइट्स बताए गए एनवायरनमेंट को रिलेटेड। तो हमारा मकसद ही यही है कि जो हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पार्लियामेंट में पास हुआ था, जिसमें सरकार पे भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और यहाँ हम सिटीजन पे भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की, उसी को लेके आज यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है। काफी लोग यहाँ पे सुबह ही यहाँ पे ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए यहाँ पे आए थे। दूर दराज इलाके से आप पूरा देख रहे हैं कि यहाँ पे कोर्ट कम्प्लेक्स पूरा भरा हुआ है, पूरे भद्रवाह के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सब ने आज हम यहाँ से एक प्लेज लेंगे कि हम एनवायरनमेंट को बचाएंगे। सभी आगे हाथ रखेंगे, एनवायरनमेंट चंगा चित बचाओ। हम सभी बोलो सर, सब बोलो, हम सभी शपथ लेते हैं कि हम अपने मुल्क का एनवायरनमेंट का दिफा करेंगे, किसी को भी जंगल काटने नहीं देंगे, वाइल्ड लाइफ को नुकसान होने नहीं देंगे, और जो हमारे दरिया है, हमारे समंदर है और हमारा सराउंडिंग एरिया है, उसको हम साफ रखेंगे। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ड्यूटी हमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए दी गई है, हम उसको पूरा अदा करने की और निभाने की आज यहाँ कसम खाते हैं। शुक्रिया। अब मैडम बोलेंगे। शुक्रिया।